अल्लाह तुम्हारे बाप का साया सर पे सलामत रखे। अगर इंतकाल हो जाए बाप का तो जनाजा हाँ गुसल देने के लिए मस्जिद के मौली साहब मौजिन को ना बुलाया करो और गुसल देने वाले को ना बुलाया करो, बल्कि कोशिश करो अपने बाप को अपने हाथों से गुसल दो। क्यों? फरमाया तो अल्लाह अकबर, तुम्हारे बाप को तो कितनी मरतबा तुम्हें बचपन लड़कपन जवानी में नहलाने का मौका मिला, लेकिन तुम्हें तो एक ही मरतबा अपने बाप को नहलाने का मौका मिलेगा। मौजिन नहलाएगा, मस्जिद का इमाम नहलाएगा, कारी साहब लाएंगे और कहेंगे या अल्लाह माफ कर दे, मेरा नमाजी था बच्चा, लोटा पानी का बाप के जिस्म पे डालेगा और रो के कहेगा या अल्लाह पानी डालना मेरा काम है, रहमत का छींटा बरसा देना तेरा काम है। और मेरे अजीजों, अगर चाहते हो घरों में खुशहाली, अगर चाहते हो कारोबार के अंदर बरकत, अगर चाहते हो घर के अंदर अमल सुकून, तो अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को राजी करो। मेरे चांद मेरे मोहतरम, एक नौजवान एक मौली साहब के पास आया और आके कहने लगा मौली साहब, आके कहने लगा मौली साहब, मेरे माँ बाप मेरे से उखड़े उखड़े ना नाला नाला नाराज नाराज रहते हैं। मौली साहब कहने लगे इसकी क्या वजह है? कहने लगे मौली साहब मुझे तो समझ नहीं आती, जो चीज मांगते हैं मैं रात के 1 बजे भी मुहैया करके देता हूँ। मौला कहने लगे यही तो नाराजगी है, उन्हें पानी का गिलास के लिए भी तेरे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, रोटी खाने के लिए 1 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेने के लिए तेरे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मौली साहब मैं फिर क्या करूं, पानी के लिए उनके कमरे में फ्रिज ला के रख दे, कूलर ला के रख दे, उनके सराने बिस्किट ला के रख दे, फ्रूट ला के रख दे। ईद आए यूं ना पूछे अब्बा कपड़े सवाने नहीं, बल्कि 2 जोड़े सिला के बाप के सराने ला के रख दे। यूं ना पूछ अम्मा तेरी दवाई खत्म होगी कि नहीं, बल्कि खुद माँ की दवाइयों वाला थैला देख, जो टैबलेट नहीं वो स्टोर से लाके उस थैले के अंदर डाल दे। अल्लाह अकबर, वो कहने लगा इसकी क्या वजह कि माँ बाप मेरे से राजी हो जाएंगे? कहा तो बचपन में माँ से राजी था? कहा जी हाँ, तभी तो माँ की गोद में खेला करता था, तो बचपन में अपने बाप से राजी था, तभी तो बाप के कंधे पे बैठकर भल्ले की दुकान से चीजें लाया करता था। कहा कभी तूने बचपन में जब तुझे बोलना भी नहीं आता था माँ की गोद में आके री 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 किया, उस वक्त क्या तेरे बाप ने तेरे से पूछा क्या खाएगा? तूने रोके दिखाया, तेरे बाप ने फीडर तेरे मुंह के लगाया, तूने रोके दिखाया, तेरी मां ने तुझे सीने से लगाया, तेरे दांत नहीं थे, नरम गिजाएं कौन लेके आया? तूने मांगी, तू बचपन से लेकर जवानी तक बगैर मांगे जब तेरे माँ बाप ने तेरे लिए सारी चीजें मुहैया की, आज तू कहता है कि 1 10 रुपए के बिस्किट के लिए मेरे आगे हाथ फैलाए। ना ना जवाना, ना ना जवाना, अपने माँ बाप के कमरे में जरूरियात जिंदगी की चीजें ला के भर दो। बस इतना आखिर में कह दिया, अब मैं मेरे लिए दुआ कर दी। बाप कहेगा पुत्रा कहंदी लोड़े, तू रात को खराटे मार के सोता रहता है और तेरा बाप सारी रात करवटे बदल के तेरे लिए रोता रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, अब तो हर घर की हालत ये बनी हुई है कि माँ बाप कोने में किसी से पूछो पुत्रा दा की हाल है, कहते मैनू की पता, मिलदे ही कोई नहीं। क्या वजह, कब नहीं मिलते? सुबह नूर पीले नूर पीर दे वेले चले जाते ने, रात को घर आते हैं मुझे पता ही नहीं लगता, अब तो लावारसों की तरह हो गए। और मेरे चांद, अगर माँ बाप का साया बरकरार रखना चाहते हो तो उनको वक्त दीजिए, उनको वक्त दीजिए, उनको अपने घर में वक्त दीजिए, अगर ना हालत ये होगी। बंद कमरे में माँ बाप को देख कर एक नौजवान कहने लगा क्या बात है, उखड़े उखड़े रहते हो, तरसे तरसे रहते हो, परेशान परेशान से रहते हो, क्या बात है, तुम्हें खुराक नहीं मिलती, पेट कमर के साथ लग गया, कपड़े कोई नहीं धोता। तो बाप रो के अल्लाह अकबर उस नौजवान को जवाब दे रहा है और कह रहा है पुत्र ले गए नोवा, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए हो, बुढ़ी बुढ़ा एवें रह गए जेवें बैठे चोर। अब तो बस इतनी उम्मीद है कोई चार पाए का कंधा देकर चार पाए पकड़ के मैं कब्र में छोड़ के आ जाएगा। ओ नाना वीरा, माँ बाप की मोहब्बत सिर्फ 10 मुहर्रम को ना जगाया करो, माँ बाप की मोहब्बत सिर्फ ईद के दिन ना जगाया करो। क्या माँ बाप की मोहब्बत 12 रबीउल अव्वल को जागती है, पूरा सियालकोट कब्रिस्तान के अंदर भरा पड़ा होता है? और नहीं हो नहीं माँ, और मेरे अजीजों कसम उठाओ, अल्लाह की कसम तुम उठाओ, अल्लाह खुदा की कसम मैं उठाऊंगा, सुबह माँ बावर्ची खाने में जाकर आटा भी उसके इख्तियार में, घी भी उसके पास, अंडा ब्रेड चाय भी उसके पास, लेकिन खुदा की कसम बताओ पहले तुम्हें खिला
खाती थी या खुद खाती थी, पूरे कुड़वे को खिलाकर हमारे मुलाजमों को खिला के माँ खुद खाया करती थी। सारे काम काज करके बाप खुद खाया करता था। जब माँ नाश्ते में तुम्हें याद रखे, अपना बिस्तर बिछाने से पहले तुम्हारे बिस्तर को याद रखे, अपनी खुशियों से पहले तुम्हारी खुशियों को याद रखे, तो खबरदार खबरदार, सुबह होते ही दुकान को याद करने से पहले, औलाद को याद करने से पहले, बीवी बच्चों को, बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले जाओ कब्रिस्तान जाया करो। अब तो अल्लाह अकबर, देरी नहीं, मोटरसाइकिल की किक लगाओ, दो मिनट में कब्रिस्तान पहुंच जाते हो। लेकिन क्या फायदा होगा कब्रिस्तान जाने से? आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरे नबी ने फरमाया मां बाप की कब्र की जो जियारत करके आएगा, अल्लाह उसे दो इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम ये कि अल्लाह उसके माल में बरकत अता फरमाएगा, दूसरा इनाम ये अल्लाह उसकी रिजक की तंगियां दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर, माँ बाप के लिए जितना हो सके पढ़ के बख्शो। फिर माँ बाप का हक ये है कि माँ बाप के मरने के बाद अल्लाह अकबर जितना तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिनका ताल्लुक माँ के साथ उनका भी एहतराम करो, जितना ताल्लुक बाप के साथ उनका भी एहतराम करो। ताए को बाप की निगाह से देखोगे, कब्र के अंदर बाप का कलेजा ठहरेगा। मामे को माँ की निगाह से देखोगे, रब्बे काबा की कसम कब्र के अंदर माँ का कलेजा भरेगा। और मेरे अजीजों, बस आखिरी मैसेज, आखिरी पैगाम आपको ये देखे जा रहा हूं, बंदों से हक तो बता दिया, अल्लाह का हक भी। सुबह से लेकर जो आपने मेरे मांगा उसने बगैर मांगे दिया, लेकिन उसने पांच वक्त की नमाज का हक मांगा। ओ बंदे, रिजक तेरा हक है, सजदा मेरा हक है, तेरा हक मैंने दे दिया, मेरा हक दे के सोना। अगर मेरा हक दे के सोएगा सारी रात तेरे बिस्तर पर रहमतें बरसती रहेगी, अगर मेरा हक दबा के सो गया तो सारी रात तेरे बिस्तर पर लानत बरसती रहेगी। لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, शक्ल में, सीरत में। और मेरे प्यारो, आज पांच तोहफे ले लो, ज्यादा नहीं, पांच तोहफे ले लो। ज़िलहज का महीना है, बड़े कीमती अय्याम है, बड़े कीमती दिन का रोजा, अरफे तक दिन का रोजा, और रात को अल्लाह की इबादत, अल्लाह कसरत के साथ, कसरत के साथ अल्लाह की इबादत। बड़े दिन अहम है, एक दिन का रोजा रखना एक साल के रोजे रखने के बराबर है। मेरे अजीजो, इन अय्याम के अंदर, मेरे अजीजो, इन अय्याम में नियत करो। मेरे अजीजों, तुम्हारी दुकान पर तो अपनी दुकान खोलोगे, तरह तरह की वैरायटी नजर आएंगी। कोशिश करोगे ग्राहक मेरी दुकान पर आए उसे नमक से लेकर मिर्चे तक हर चीज दुकान पे मिले। नमक लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाना ना पड़े, दुकान का म्यार खत्म हो जाएगा। काबिल मेरे नबी की जिंदगी, और काबिल जिंदगी अल्लाह ने तेरी मेरी झोली में डाली। मेरे अजीजों, प्यार यहाँ से मिलेगा, अखलाक यहाँ से मिलेगा, खुदा की इबादत यहाँ से मिलेगी, अतात यहाँ से मिलेगी। हमें कामयाबी के लिए किसी दूसरी नबी की झोली में झांकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे अजीजों, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह ने नबी के किरदार में, नबी की जिंदगी में अल्लाह ने सारी कामयाबियां ही रख दी हैं।